आज तो बहुत भूख लग रही है और ये घास फूस खा खा कर मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया है। क्यों ना आज हरे हरे गेहूं की फसल खाकर मजा लिया जाए। हाँ, वो दुष्ट सांड जंगल से भागकर गांव में घुस गया था। वो कभी भी लोगों की फसलें बर्बाद कर देता। अरे वाह, क्या बात है, चारों तरफ फसलें ही फसलें। फिर ये सांड खेत में घुस जाता है और फसलों को खाने लगता है। थोड़ी देर में ये हरामी सांड सारा खेत बर्बाद कर देता है। ए भगवान, ये क्या हो गया, मेरी फसल किस दुष्ट ने बर्बाद कर दी। अरे बड़े मुश्किलों से तो मैं इन फसलों से अपना घर चलाता था, अब मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा। अरे भाई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। अरे रो नहीं तो और क्या करूं, पता नहीं किस दुष्ट ने मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी। उस आराम खोर को मेरा ही खेत मिला था क्या। इसकी बात सुनकर भोला सहम जाता है। वह दौड़कर अपने खेत की तरफ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी फसल बच गई। इतना सोचकर भोला खुश हो ही रहा था कि बगल में उसे एक बड़ा सा जंगली सांड का पैर दिखाई देता है। हे भगवान, मतलब वो हरामखोर सांड यहाँ भी आ गया। इसका मतलब वो दुष्ट सांड मेरी फसल भी बर्बाद कर देगा। आज मैं उस दुष्ट सांड को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी फसल तो दूर की बात, वो अपना मुंह भी नहीं हिला पाएगा। भोला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह फिर घर चला जाता है। भोला जैसे ही घर आता है वो जल्दी से गांव वालों को सारी बात बताता है। हाँ, हमें जल्दी ही उस सांड को इस गांव से खदेड़ना पड़ेगा, वरना वो दुष्ट सांड कुछ ही दिनों में पूरे गांव की फसल नष्ट कर डालेगा। फिर भोला और उसके चार खास साथी उस दुष्ट सांड को गांव से भगाने की युक्ति बनाने लग जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते ही भोला और उसके साथी हाथों में लाठी डंडा लेकर अपने खेतों पर पहुंच जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पहले छुपना होगा, बिना आवाज किए चुपचाप बैठे रहना, कोई आवाज मत करना। फिर सबके सब फसल के पीछे छुप जाते हैं और अपनी आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगते हैं कि कहीं उन्हें कुछ नजर आ जाए। लेकिन इधर एक बार फिर ये दुष्ट सांड खाने की तलाश में निकलता है। यहाँ तो कोई खाना नजर नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, वहीं चलता हूँ जहाँ मैंने हरी हरी गेहूं की फसल खाई थी। हाँ। फिर सांड खेतों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर भोला और उसके साथी फसल के पीछे छुपकर उस भयानक सांड को अपनी ओर आता देख बुरी तरह से डर जाते हैं। वो रहा वो दुष्ट सांड और वो अपनी ओर ही आ रहा है। ये तो बहुत भयानक सांड है, इसके सामने जाना मतलब मौत का बुलावा देना। अरे भोला भाई, हम 5-6 लोग हैं, लेकिन हाँ, अकेले उसके सामने जाने की भूल मत करना, हमें एक साथ ही उसे भगाना होगा। फिर सांड खेत में घुस जाता है और फसल को खाने लगता है। रुक जा दुष्ट सांड, तूने हमारी महीनों की फसल मिनटों में बर्बाद कर डाली, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सांड भागने की बजाय उन्हीं पर हमला कर देता है। सभी के हाथों से लाठी डंडा छूट जाता है और सामने से भयानक सांड को अपनी ओर आता देख सबको भागने के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। सब इधर उधर भागने लगे। अरे मुर्गा रे, अरे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये आदमखोर हमारा कीमा बना देगा।